बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसका पहला मैच चेन्नई में 19 सितंबर से होगा। इस सीरीज में पहले बांग्लादेश के एक खिलाड़ी ने साफ साफ कह दिया है कि अब उनका लक्ष्य टीम इंडिया को भी हराना है। उन्होंने कहा कि जो काम उन्होंने रावलपिंडी में खत्म किया, उसे अब वो भारत में शुरू करना चाहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 19 सितंबर से होना है। पहला टेस्ट चेन्नई और दूसरा टेस्ट कानपुर में खेला जाएगा। दरअसल बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लाम ने बांग्लादेशी मीडिया से बातचीत में कहा, पाकिस्तान की तुलना में टीम इंडिया ज्यादा बड़ी टीम है। टीम इंडिया के पास टेस्ट क्रिकेट का अनुभव है। अब अगर बांग्लादेश की टीम भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेगी तो दुनिया भर में लोग उसे फॉलो करेंगे और सभी की हर पर नजर होगी। भारत में अच्छा प्रदर्शन किया तो हमें काफी खुशी होगी। हम काफी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि रिजल्ट हमारे हक में आए। बांग्लादेश की टीम रावलपिंडी वाली फॉर्म भारत में भी जारी रखने की कोशिश करेगी। शरीफुल ने कहा कि वो चेन्नई में पहला ही मैच जीतने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के हर खिलाड़ी को खुद पर यकीन है। आपको बता दें, 23 साल के इस तेज गेंदबाज ने रावलपिंडी में 3 विकेट हासिल किए थे, जिसमें एक विकेट बाबर आजम का भी था। दूसरा टेस्ट शरीफुल नहीं खेले थे, लेकिन उनकी टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। गौरतलब है कि बांग्लादेश की टीम भारत से टेस्ट सीरीज जीतने के सपने तो देख रही है, लेकिन उसका रिकॉर्ड रोहित एंड कंपनी के खिलाफ बेहद खराब रहा। बांग्लादेश ने कभी भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज तो छोड़िए एक मैच तक नहीं जीता है। दोनों टीमों के बीच अब तक 13 मैचेस हुए हैं, जिसमें 11 में टीम इंडिया ने बाजी मारी है। 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। पिछले 5 टेस्ट मैचों की बात करें तो टीम इंडिया ने बांग्लादेश को सभी मैचों में हराया। बांग्लादेश साल 2015 में टीम इंडिया से एक टेस्ट ड्रॉ कराने में कामयाब रहा था। हालांकि अब बांग्लादेश की टीम पहले से ज्यादा बेहतर है, उनके खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में भी हैं। ऐसे में बांग्लादेश को हल्के में आंकना बड़ी गलती होगी।